હવે સમાચાર વિગતવાર અંકલેશ્વર ખાતે ઈદ ઉલ ફિત્રની ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવણી કરાઈ હતી। ईदगाह मैदान स्टेशन मस्जिद हलीमसा दातार भंडारी दरगाह शरीफ कागजीवाद मस्जिद सहित विविध मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर एकमेक ने शुभकामना पाठवी थी। मुस्लिम आगेवानों द्वारा फरज पर पोलिस जवानों ने गुलाब आपी शुभकामना पाठवी थी। मुस्लिम समाजना पवित्र रमजान मासनी पुनाहुति थई गई छे। एक मास सुधी रोजा राखी अल्लाहनी इबादत कर्या बाद आज रोज उत्साह साथे शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल फित्रना तहेवारनी उजवणी करवामां आवी हती। अंकलेश्वर आंबोली रोड उपर आवेल ईदगाह मैदान खाते ईदनी नमाजनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। त्यारे मोटी संख्यामां मुस्लिम बिरादरोए ईदनी नमाज अदा करी अल्लाहनी बंदगी गुजारी हती अने एकमेकने ईदना तहेवारनी मुबारकबादी पाठवी हती। ईदगाह मैदान खाते ईद उल फित्रनी नमाज मौलाना गुलरेज कानुगा द्वारा अदा कराई हती अने देश दुनियामां भाईचारो कौमी एकलास रहे तेवी दुआओ गुजारी हती। ईदनी नमाजना समये पोलिस विभाग द्वारा चुस्त पोलिस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो। ईदगाह खाते फरज परना पोलिस जवानोनु मुस्लिम समाजना आगेवानो द्वारा गुलाबनो फूल आपी स्वागत कर्यु हतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईदगाह के इस अजीमुशान मैदान में ईद की नमाज अदा की गई और अपने लिए और तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की गई और अपने बयान में अपने प्रवचन में लोगों को ये बताया गया कि हमको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो रमज़ान की तालीमात है कि हम किस तरह अपनी इच्छाओं पर और अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ को आगे लेकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बात लोगों तक पहुंचाई गई है। इस मौके पर मैं तमाम अंकलेश्वर वालों से और तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, गुजारें और अपने मुल्क, अपने देश, अपनी कंट्री हिंदुस्तान की तरक्की किस तरह हो उसके लिए सोचते रहें, उसके लिए काम करते रहें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज ईद के दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में तरक्की अता फरमाए और पूरी दुनिया में इसके नाम को रोशन फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।